किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपका मन सच्चा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपकी हर एक आराधना का फल आपको जरूर मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज आपके पास फिर से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक लड़का था, एक सूरज नाम का लड़का था। उसका व्यवसाय था, वह लकड़ी काटता जंगल से और उन्हें बेचता और अपने घर परिवार की रोजी रोटी चला रहा था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी टहनियों को नहीं काटता था। जो पेड़ सूखे दिखते थे, बस उसकी ही टहनियों को काटता था, सूखी टहनियों को ही काटा करता था। एक दिन वह यमुना नदी के किनारे लकड़ी काट रहा होता है, तो यमुना नदी की तरफ ही झुकी हुई एक सूखी टहनी दिखाई देती है। वह सोचता है कि हरी टहनी को मैं तो काटूंगा नहीं, चलो उस सूखी टहनी को ही काट लेता हूँ। उस सूखी टहनी को काटने लगता है। जैसे ही अंतिम प्रहार करता है, तो वह टहनी टूटकर यमुना नदी में गिर जाती है। आखिर उसे भी अपने घर परिवार को चलाना था। वह बेचारा यमुना नदी की ओर चौक जाता है उस टहनी को बचाने के लिए, ताकि वह बच जाए और उससे वह बेच के पैसे ले सके, पैसे ला सके, ताकि उसका घर आज का खर्चा निकल सके। वह यमुना नदी में चौक जाता है बिना कुछ सोचे समझे। यमुना नदी में चौंकने के बाद उसका पानी इतना तेज़ होता है, उसका बहाव इतना तेज़ होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। बहुत कोशिश किया, लगभग 1-2 घंटे तक वह कोशिश किया बाहर निकलने का, लेकिन बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। जब उसकी सब कोशिश नाकामयाब हो गई, तो वह भगवान श्री कृष्ण को याद करता है। कहता है, भगवान अब तुम ही हो जो हमें बाहर निकाल सकते हो, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जितना था मैंने सब कर लिया, अब तुम ही मेरा बेड़ा पार लगा सकते हो, मुझे बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकते हो। अब भगवान भी उस सच्चे भक्त की पुकार कैसे ना सुनते। भगवान आए, भगवान ने उसकी पुकार सुनी। भगवान आए, भगवान ने उसे बेहोशी की हालत में देखा, उसे पानी से बाहर निकाला, बाहर निकालकर उसकी सेवा किया, बाहर लिटाया, उसे होश में लाया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसको एहसास सब कुछ हो रहा है कि मुझे कोई बाहर निकाल रहा है, मेरी कोई सेवा कर रहा है, मेरी देखरेख कर रहा है। उसे एहसास सब चीज़ का हो रहा था, भले ही उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसको एहसास हो रहा था। उसके जैसे ही होश में आता है, वह जैसे ही उसका आँख खुलता है, वह देखता है उसके आसपास कोई भी नहीं है। वह समझ जाता है कि मेरी देखभाल करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, मुझे बाहर निकालने के लिए कोई इंसान नहीं आया है, बल्कि खुद भगवान आए थे। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार यही कहती है कि अगर आपके मन सच्चे, आपके इरादे सच्चे हैं, तो आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ेगा। बस ऊपर वाले को कह देना, वह सब संभाल लेगा। एक बार जब आत्मा हार जाए, इंसान हार जाए, दिल हार जाए, मन हार जाए, दिमाग हार जाए, तो एक बार ऊपर वाले के भरोसे छोड़ कर देखना। कह देना उनको, अब आप जो हो, आप हो, जो करोगे आप करोगे, वह ज़रूर कर देंगे। लेकिन हाँ, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके इरादे अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तभी ऊपर वाला आपके साथ अच्छा करेगा। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।